चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। फिर आज हम लोग रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होगा। एसएससी जीडी बिहार सचिवालय खास करके दोनों परीक्षाओं में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण साबित रहेगा। ध्यान देखते हैं, पहला सवाल हम लोग देते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला सवाल देखिए, अस्तनधारी घोड़ा हाथी को बेन आरेख द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हम लोगों को क्या करना है। घोड़ा और हाथी दोनों जानवर है, लेकिन दोनों अलग जानवर है, लेकिन दोनों कैसा है, अस्तनधारी है। तो घोड़ा हाथी और ये अस्तनधारी, मतलब ऑप्शन नंबर बी बन गया। एक घोड़ा बनेगा, एक हाथी बनेगा, और ये हमारा अस्तनधारी हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए दो नंबर सवाल देखेंगे। दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये फिगर जो आप देख रहे हैं इस तरीके का, कहीं भी आपको इस तरीके का बॉक्स अगर मिल जाए और इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, घर का नंबरिंग कर देना है कि जितने घर होंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो इस भाग में हमारा कितना त्रिभुज हो गया, 8 त्रिभुज हो गया। फिर आप देख रहे होंगे एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज एक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, तो 2 त्रिभुज और हो गया, 8 × 2 = 10 है 11। उसके बाद आप 2 त्रिभुज और देखेंगे इस लाइन से, गौर से देखिएगा इस लाइन से, एक हमारा त्रिभुज हो गया और फिर ये एक त्रिभुज बढ़ गया हम लोगों का नीचे से, तो 2 और तो रह गया, ध्यान देंगे 4 × 8 इसमें निकला था, एक बड़ा वाला, एक ये 2 त्रिभुज ये और एक इस त्रिभुज से, यहां से ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया बी सी डी ये वाला, तो 2 और बढ़ गया, 8 × 2 = 10 = 1 = 13। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न ध्यान देंगे, दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना होगा कि जो शब्द दिया गया है CATA STROPHE, इससे ज्यादा लेटर का अगर प्रयोग होगा, ज्यादा लेटर कहने का यह हुआ इसमें जो स्पेलिंग ABCD दिया गया है उससे अतिरिक्त अगर लेटर आता है वही आपका उत्तर होगा। तो हम लोगों को बारीकी से देखना होगा कि किस ऑप्शन में इससे ज्यादा लेटर का प्रयोग किया गया है। तो पहला ही आप देखेंगे ऑप्शन, देखते हैं TROPHY, तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी वाई नहीं आया है, इसमें ज्यादा लेटर का प्रयोग हो गया, वो लेटर कौन है, वाई। तो आपका पहला इसका उत्तर हो जाएगा कि दिए गए शब्द से ये लेटर नहीं बनाया जा सकता, टॉपी नहीं बना सकता, क्योंकि इस लेटर में, इस वर्ड में वाई नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए कुछ और प्रश्न को देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यह सवाल डाइस से। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद हो, यू के विपरीत फलक पर मौजूद हो, अर्थात ये कि यू के अपोजिट क्या होगा, किसका अपोजिट पूछ रहा है, यू का अपोजिट। तो इसमें हम लोगों को करना होगा क्या कि सबसे पहले डाइस 1 और 2 से, किसी भी डाइस आप चल सकते हैं, लेकिन आप डाइस 1 और 2 में 1 कॉमन देखेंगे कि कॉमन 1 कौन है, तो आप देखेंगे 1 और 2 नंबर डाइस में कॉमन हमारा क्यू है, आप क्यू को लिख लेंगे। सबसे पहले फिर से ध्यान देंगे, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 में कॉमन सतह खोलना है, कॉमन सतह क्यू है, क्यू के बाद जो पहला नंबर, जो पहला घर का डाइस होगा उसमें क्लॉक वाइज आपको चलना है, तो क्यू के बाद जो हमारा क्लॉक वाइज होगा वो एस होगा और एस के बाद पी होगा। पहला डैश का पूरा घर हो गया, दूसरा डैश मार जाइए जो कॉमन अंक है उसके नीचे आप फिर लेना ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसमें भी क्लॉक वाइज चलेंगे, तो कौन है क्लॉक वाइज में, आर है, यू है, आर हो गया और यू हो गया। और हमसे क्या पूछा था, यू का अपोजिट क्या होगा, तो यू का अपोजिट हम लोग का क्या आ गया उत्तर, पी। तो हमारा सही उत्तर होगा पी, ऑप्शन नंबर बी। और डैश का आप लोग को बेसिक क्लास चाहिए, आप चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल पर डैश का एक पूरा वीडियो लिए, क्लास लिया जाए, तो आप कमेंट करके हमें बता दें, एक डैश की पूरी क्लास आप लोगों के लिए बेसिक से दिया जाएगा।
तो आगे प्रश्न देखते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए या रैंकिंग का सवाल है, दिया गया है लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा बाएं सिरे से 15वें स्थान पर, बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है, मतलब P1 इसका हो गया 15, बाएं से P1 हो गया 15, और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है फातिमा, एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, दूसरे सिरा मतलब हो गया P2 इसका 9 हो गया। तो कहता है प्रश्न है कि लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें कि उस पंक्ति में कुल कितनी लड़की है। तो कभी भी रैंकिंग में टोटल आपसे पूछा जाए कि प्रश्न में कुल कितने बच्चे हैं, टोटल के लिए आपको क्या करना है, प्रश्न में जो भी डाटा दिया गया है उसको जोड़कर एक घटा देना है। तो 15 और 9 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाता है 24, और 24 में से एक माइनस कर देंगे तो सही उत्तर हम लोगों का हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर 4। इसका ऐसे फॉर्मूला आपका है, टोटल बराबर रैंकिंग में P1 प्लस P2 माइनस 1। लेकिन इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, जब भी प्रश्न में पूछे रैंकिंग के सवाल में कि कुल संख्या कितना होगा तो आपको क्या करना है कि प्रश्न में जितने भी डाटा दिया रहेगा सभी को आपस में जोड़ दीजिए और अपने मन से हटा दीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए यहीं तक हम लोगों का सफर रहा। जीडी के परीक्षा वाले जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोग एक प्रण लीजिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम आराम। अगर ये प्रण अपने आप से करते हैं, वादा अपने आप से करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी आने वाले परीक्षाओं में। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बनाए पढ़े और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।